कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए 23 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के बाद लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूरों ने पलायन किया था, लेकिन प्रवासी मजदूरों के संवेदनशील मुद्दे पर संसद में सरकार द्वारा बेतुके और अजीबोगरीब जवाब दिए जा रहे हैं। अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लॉकडाउन के दौरान लाखों मजदूरों के पलायन के लिए फर्जी खबरों को जिम्मेदार बताया है। दरअसल कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट से टीएमसी की सांसद माला रॉय ने गृह मंत्रालय से एक लिखित जवाब में पूछा था कि सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान करने से पहले प्रवासी मजदूरों के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। उन्होंने पूछा क्यों दिहाड़ी मजदूर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचने के लिए मजबूर हो गए, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई। इसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि लॉकडाउन के दौरान मजदूर भोजन पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और आश्रय जैसी आम जरूरतों की चिंता के चलते अपने गांव के लिए निकलने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि गढ़ी हुई और फर्जी खबरें प्रसारित की गई थीं। गृह मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार इसे लेकर पूरी तरह तैयार थी। केंद्र सरकार ने ये भी सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति खाने पीने और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मूलभूत चीजों से वंचित नहीं रहे, और इसके लिए सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को 28 मार्च को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से पैसा जारी करने की इजाजत भी दे दी थी, ताकि प्रवासी मजदूरों को किसी चीज की कमी का सामना ना करना पड़े। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सरकार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए प्रवासी मजदूरों को लेकर पूछे गए सवाल पर ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले सोमवार को सरकार से सवाल पूछा गया था कि लॉकडाउन के दौरान कई मजदूरों की जान चली गई थी और क्या उनके बारे में सरकार के पास कोई डिटेल है, और क्या अपने घर परिवारों तक पहुंचने की कोशिश में जान गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के परिवारों को सरकार द्वारा क्या कोई मुआवजा दिया गया है। इस पर केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि केंद्र सरकार के पास प्रवासी मजदूरों की मौत से जुड़ा कोई आंकड़ा नहीं है और ऐसे में मुआवजा देने का सवाल नहीं उठता है। इसके बाद विपक्षी दलों ने सदन में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सरकार ने माना है कि लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर अपने अपने गृह राज्य पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।